श्रद्धा मर्डर केस में एक और नया खुलासा हुआ है, जहां श्रद्धा और आफताब ने मुंबई के वसई के लीगल अपार्टमेंट में खुद को पति पत्नी बताकर फ्लैट रेंट पे लिया था। श्रद्धा और आफताब की तरह कई लोग अपनी पहचान झूठी बताकर घर किराए पर ले लेते हैं। ऐसे में रेंट एग्रीमेंट बनवाते वक्त मकान मालिक को किराएदार की सही पहचान करना जरूरी है। आइए जानते हैं रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले रेंट एग्रीमेंट को समझते हैं। दरअसल जब भी कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी जाती है तो मकान मालिक और किराएदार के बीच कुछ बातों का समझौता होता है। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मकान मालिक की सभी शर्तें लिखी होती हैं। इस पर मकान मालिक और किराएदार दोनों अपनी सहमति से सिग्नेचर करते हैं, जिसे लीगल तौर पर कराया जाता है। रेंट एग्रीमेंट बनवाने का प्रोसीजर बेहद आसान है। इसे 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ही बनवाना चाहिए। एग्रीमेंट में मकान मालिक की सारी शर्तें लिखी होनी चाहिए। किराएदार और मकान मालिक दोनों के सिग्नेचर होना जरूरी है। रेंट एग्रीमेंट बिना गवाहों के पूरा नहीं माना जाएगा। इसमें दो गवाह जरूर होने चाहिए। नाम और एड्रेस दोनों सही लिखा होना चाहिए। किराएदार और मकान मालिक का आधार कार्ड और फोटो जैसे डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए। इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट फैमिली फ्रेंड्स के अलावा इंडिविजुअल का भी बन सकता है। साथ ही अगर कोई फर्जी तरीके से या धोखा देकर शिफ्ट हो जाए तो मकान मालिक ब्रिच ऑफ एग्रीमेंट के जरिए किराएदार को घर से बाहर निकाल सकता है। यानी कि एग्रीमेंट साइन करते समय किराएदार ने खुद की आइडेंटिटी बताई होगी, लेकिन अगर किराएदार फेक निकलता है तो ऐसे में एग्रीमेंट अपने आप कैंसिल हो जाता है। अगर कोई किराएदार खुद को पति पत्नी बताकर शादी का फर्जी सर्टिफिकेट दिखाता है तो ऐसे में उस व्यक्ति पर फॉर्जरी यानी कि जालसाजी के तहत मामला दर्ज हो सकता है और 7 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। रेंट एग्रीमेंट बनवाने के दो तरह के फायदे होते हैं। पहला, टैक्स में छूट, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आप टैक्स में छूट का फायदा ले सकते हैं। दूसरा, रेजिडेंसी डॉक्यूमेंट, मतलब कि रेंट एग्रीमेंट एक तरह का वैध रेजिडेंसी प्रूफ होता है, जिसके इस्तेमाल से गैस कनेक्शन, पहचान प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, लाइसेंस जैसी चीजें बनवा सकते हैं। तो वहीं ज्यादातर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का होता है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा के रेंट एग्रीमेंट पर रजिस्ट्रेशन फीस और स्टाम्प ड्यूटी भी लगाई जाती है, जिससे बचने के लिए लोग 11 महीने का एग्रीमेंट ही तैयार करते हैं। तो वहीं अगर मकान मालिक पुराने किराएदार को 11 महीने के बाद भी रखना चाहता है तो हर साल रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू कराना चाहिए। इसके अलावा किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं, संभव हो तो किराएदार का पिछला रिकॉर्ड जरूर चेक कर लें। साथ ही किराएदार भी रेंट एग्रीमेंट को साइन करते वक्त उसे अच्छे से पढ़ लें, ताकि बाद में वो किसी भी तरह के फ्रॉड का शिकार ना हो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।